वेलकम नंबर सीरीज क्वांट के इस सेक्शन के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज से IBPS PO PRE-2017 का एग्जाम शुरू हो रहा है। फर्स्ट सेटिंग खत्म हो चुका है, दूसरे सेटिंग्स चल रहे हैं। इस बीच हमारे कई प्रिय स्टूडेंट्स ने मेमोरी बेस्ट क्वेश्चंस भेजे हैं और मैं चाहता हूं कि तुरंत ही सॉल्व करके उसे आपके सामने रख दूं, जिससे आज दूसरे सेटिंग में जो एग्जाम्स होने हैं उसमें और दूसरे दिनों में जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होंगे उन्हें अच्छी खासी मदद मिले। सीरीज आप पढ़े हैं, स्लोप के आधार पर हम सीरीज को पकड़ते हैं और ये अल्टीमेट मेथड है। इसका कोई विकल्प नहीं, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। लेकिन एग्जाम बोर्ड एकदम बने बनाए पैटर्न पर नहीं चलना चाहता। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा होता है जहां सीरीज में डेप्थ है या नहीं ये टेस्ट जरूर होता है। यानी एग्जाम बोर्ड ये नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा पढ़े और 5 में 5 बन जाए, 5 में 3 बन जाए, 2 बन जाए, 4 बन जाए। 5 में 5 अगर आप जल्दी से कम समय में बना लेते हैं तो फिर कमांड होना चाहिए और ये हर जगह झलकता है। ये सीरीज का सेट बहुत अच्छा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ने इनको 100% सॉल्व किया होगा विद इन गिवन टाइम 2 मिनट्स के अंदर। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लोप। लेकिन ये तो अप्स डाउन सीरीज है। अप्स डाउन सीरीज जब होता है तो हम लोग जानते हैं कि या तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, कटने काटने वाला नंबर होगा, तो ऐसा नंबर तो दिखता नहीं है कि टेबल में आए, या फिर समथिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन में छुपा होगा। और जब ये दोनों में कुछ समझ में नहीं आता तो 2 सीरीज का मामला होगा। यही कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अप्स डाउन्स तो है पर ये कटने काटने जैसा नहीं है, तो फिर डिफरेंस में है। पूछते हैं क्या एड सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए, तो +81। इसमें क्या करें तो सब्ट्रैक्ट करें, तो इधर खड़ा होकर बोलते हैं ऐड करें। 72 ऐड करें तो इधर से 72 लेस करें। अभी हमें नहीं मालूम क्या रूल है, कैसे चल रहा है, हमें नहीं पता। इधर से ऐड करें 63 ऐड करें, 63 ऐड करें, कुछ दिख रहा है यहां तो 9 स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, लेकिन दिखने वाले को दिख गया होगा। मान लेते हैं नहीं दिखा, तो 54 ज्यादा है यानी 40, यानी 54 लेस है। 99 जा, 98 जा, 97 जा, 96 जा, 94 जा, 95 जा, 45 96 जा बोले थे ना, 95 जा होगा कि नहीं, इसे बोले 99 जा बोले, इसको 98 जा बोले, इसको 97 जा बोले, इसको 96 जा बोले, तो अगला हुआ 95 जा। और प्लस माइनस ऐसे करके है, तो प्लस माइनस ऐसे करके है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस हुआ ना, प्लस माइनस प्लस, तो ये कितना हुआ 80 इज द आंसर। बोलिए समझे कि नहीं, ठीक है। आई सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये 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 इसमें तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि क्योंकि प्लस 15 भी हो सकता है, टाइम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये थोड़ा बड़ा है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा नहीं लग रहा, ये टाइम्स लग रहा है। ये तो पक्का टाइम्स है और इसके तो टाइम्स नहीं होने का सवाल ही नहीं है। अगर ये 360 होता तो 36 या 108, 1080, ये तो 3 जा है, चाहे रूल कुछ भी हो जाए, ये तो 3 टाइम्स है। साथ में क्या है बाद में देखेंगे। अब 3, 2, 1 ये तो कुछ दिखता नहीं, 3, 3, 3, 3 समझ में आता नहीं,
90 मान लें तो 90 94 जा लगता है स्लोप, अभी हम लोग देख रहे हैं उसके आसपास 9 चौके 36। अब यहां 3 है या 4 है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है 5 लिखने के, और यस तो यहां हम तो 6 लिखेंगे, यहां तो 8 लिख सकते थे 9 लिख सकते थे मालूम नहीं, इसलिए इससे पूछना नहीं है, पूछना वहां है 2 6 जगह कितना 12 प्लस 5 17 बजे 85 प्लस 4। देखिए देख रहे ना क्या 6 है तो 5 है, 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, कैसे 90 मान करके बोलिए 90 to 4 360 से 4 less प्लस 3 तो 1 less 359 into 3 किया तो प्लस 2 है कि नहीं, पक्का है इसे 360 मानिए तो 1080 से 3 कम 2 ज्यादा माने 1 कम, नहीं समझे 360 यदि हम इसे बोलते हैं 360 तो 3 जा बोलेंगे ऐसे 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 360 माइनस 1 बोलेंगे 3 जा बोलेंगे तो 1080 से 3 लेस और 2 मोर तो इसका मतलब कुल मिला कि 1 ही लेस हुआ ना, यही वाला बोल रहे हैं, कैलकुलेशन ऐसे करना पड़ेगा समझ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनटू 2 होगा प्लस 1 होगा, कैसे करेंगे तो 1000 इनटू 2 2000 तो पहले लिख दीजिए और उसके बाद 79 को 80 मानिए 80 इनटू 2 क्या होता है 160 से 2 लेस 1 मोर 1 लेस 159 होगा कि नहीं बोलिए ठीक है दिस इज द आंसर ठीक है। इसके बाद आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन तीसरे में देखिए 3 5 15 ये कुछ कहता है, ये कहता है टाइम्स हो रहा है लेकिन जब हम टाइम्स देखते हैं तो कुछ जस्ता नहीं है, 3 जा जो है वो 135 बड़ा ज्यादा हो जाएगा और यहां पर 2.5 जस्ता नहीं है फिर इसका क्या करेंगे 3 तो ये 3.5 ये तो है नहीं यानी टाइम्स का एक आभास होता है पर है नहीं और जब है नहीं तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसमें क्या ऐड करें तो लिखें प्लस 2, इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो लिखें प्लस 10, इसमें क्या करें तो आए प्लस 30, इसमें क्या करें तो आए 55 यानी 68। ये क्या है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्लस 8 हो रहा है प्लस 20 हो रहा है प्लस 38 हो रहा है, ये तो जच नहीं रहा। इन नंबर्स को ध्यान से देखिए तो कुछ लगता है कि 3 स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, 1 स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है लेकिन 1 स्क्वायर प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 तो 5 स्क्वायर प्लस 1 तो है नहीं। ये 8 स्क्वायर और 4 क्यूब दोनों ही है, 8 स्क्वायर बोलने से 64 प्लस 4 और 4 क्यूब बोलने से 64 प्लस 4 तो मुझे ये ज्यादा अच्छा जच रहा है 4 क्यूब माइनस 4 ये अच्छा लग रहा है, 8 स्क्वायर माइनस 4 अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ही मैंने ये लिखा 4 क्यूब कहीं ये 3 क्यूब 27 प्लस 3 तो नहीं, कहीं ये 2 क्यूब प्लस 2 तो नहीं, यस प्लस 1 क्यूब प्लस 1 बोलिए समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ प्लस 5 क्यूब प्लस 5 125 एंड 5 130 इसका मतलब हुआ 243 इज द आंसर। बोलिए समझे कि नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा और यही वो क्वेश्चन है जिसमें ये टेस्ट होता है कि आपने सीरीज के 200-400 क्वेश्चन बनाए हैं या बस 5-10 क्वेश्चन बनाए हैं। जिन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस की है उन्हें ये साफ साफ नजर आएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होगी। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डेसिमल भी है हाफ भी हो रहा है तो जो
मीन स्लोप का जो कंसेप्ट है वो वही है, साफ दिखता है कि ये तो हाफ है, मतलब 3.5 क्या करें प्लस 1, ये तो मुझे इनटू 1 प्लस 1 लग रहा है। अब इनटू 1.5 करेंगे तो प्लस 1 करने से तो नहीं होगा, ये इनटू 2 11 है प्लस 1, यस प्लस 1 इज कॉमन, हाफ 1 2 4 4, 48 प्लस 1 इंटू 8 8 8, इसे 50 मान के बोलिए 400, उससे 8 लेस 392, 1 कम 393 इज द आंसर। कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना ढंग से, ये है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ 400 और इससे 8 लेस है, अब प्लस 1 करना है तो हमने कहा 7 लेस है, 7 लेस है, 7 लेस है, 393 है, यही हमने लिखा। बोलिए ये समझ में आया? इसके बाद भाई फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इतना बड़ा नंबर इतना छोटा नंबर, ये मैक्सिमम स्लोप का मामला है, ये तय है और कुछ हो ही नहीं सकता। इधर से डिवाइड करें अच्छा नहीं लगता, इधर से मल्टीप्लाई करें अच्छा लगता है। 500 माने तो 6 जा 33,000 होता है, और 6 जा बोले तो 46 जा 24 to 40, यस इधर से 6 टाइम्स है, इधर से 6 टाइम्स है, इधर से 5 टाइम्स तो दिखता है 540, इधर से 5 टाइम्स है, इधर से 4 टाइम्स है, ये तो बड़ा आसान था, इधर से 3 टाइम्स है, तो 9 हुआ ना, 9 हुआ ना, इधर से 2 टाइम्स है, यस 2 टाइम्स 9 इधर से। बोलिए कैसा लगा आज के दिन? डिफरेंट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आज रात देर तक जैसे जैसे वो मिलते जाएंगे, स्टूडेंट क्वेश्चन भेजते जाएंगे, मैं उन्हें सॉल्व करता रहूंगा, ताकि कल जो एग्जाम होना है और आगे एग्जाम होना है उनको मदद मिल सके। स्पेशली कल जिनका एग्जाम होना है उनके लिए मैं आज रात तक करता रहूंगा। कल के एग्जाम का जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो तो पूरा सप्ताह है जो नेक्स्ट वीक होगा उसके लिए, लेकिन मेरा ध्यान कल जिनका एग्जाम है उसके लिए है। और अभी से देखिए मैं कितने पोस्ट कर पाता हूँ और कितने क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।